खबर उत्तराखंड के पौड़ी से आ रही है, जहां पाबो में एक अनोखा ही नजारा देखने को मिला, जहां पर महिलाओं ने हरे भरे पेड़ों की लंबी आयु के लिए पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा। दरअसल मामला नगर पालिका पौड़ी के कूड़ा निस्तारण के लिए मांडा खाल में बनाए जा रहे ट्रेचिंग ग्राउंड से जुड़ा है, जहां पर पाबो ब्लॉक की महिलाओं ने ट्रेचिंग ग्राउंड की जमीन पर हरे भरे पेड़ों पर आरी चलने से पहले उन पर रक्षा सूत्र बांध कर भगवान से कामना मांगी है। भगवान इन पेड़ों की दीर्घायु दें, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए सैकड़ों की संख्या में पेड़ को काटने के लिए उन्हें चिन्हित किया गया है। इसके विरोध में महिलाओं ने आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर चिन्हित जगह में पहुंचकर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना की है। सामाजिक कार्यकर्ता भरत रावत ने कहा कि जिस तरह से जिला प्रशासन पौड़ी द्वारा सैकड़ों की संख्या में हरे भरे पेड़ों पर आरी चलाने के लिए पेड़ों को चिन्हित किया गया है, उसके विरोध स्वरूप महिलाओं ने चिपको आंदोलन के तर्ज पर पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा है। साथ ही ग्रामीण द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। पौड़ी से मुकेश बच्चेती की रिपोर्ट।